तो आज हम ये हैंगर से एक ट्राइपॉड बनाएंगे जो कि हमारा अगले वीडियो शूट करने का काम आएगा। तो दोस्तों चलते हैं वर्कशॉप की ओर और देखते हैं। दोस्तों ये जो सामान आप देख रहे हो ये सामान पूरा मेरा घर का ही है, मेरा घर का अपना काम का। और यहाँ पे इस अजवार से हम बनाएंगे एक अच्छा सा तरीके से ट्राईपॉड जो कि इस हैंगर से बना होगा। ये मेरा मामी का एक हैंगर है तो मैंने काल रात इसको चुरा लिया था क्योंकि मुझे अभी एक ट्राईपॉड का ज़रूरत है हमारे वीडियो शूट करने को। तो दोस्तों ये हैंगर से बनाएंगे लेग। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये मेरा घर का वायरिंग का पाइप है, कुछ बच के रह गया था तो इसमें से हम बनाएंगे एक्सटेंडेड लेग। और ये जो सामान, ये सामान से हम काट करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और बनाएंगे। तो चलिए काम शुरू कर देते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेके हम हमारा काम चालू कर देते हैं। तो अभी हम ये टेप से इसका नाप लेंगे, देखते हैं ये दो जो लेग्स है इसको पूरा एक्यूरेट हाइट होना ज़रूरी है। और ये तीसरा पहिया जो है इसको भी हाइट सेम होना चाहिए क्योंकि इसको लेवल का बैलेंस होता है। देखिए कितना है यहाँ पे, तो 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 9 सेंटीमीटर ही होगा। कि अभी हम इसको काट करेंगे, चलिए काट करते हैं, चलिए पेस्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, शायद बहुत बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, ये काट तो नहीं हो रहा है। तो चलिए हो गया काट। अब इसका सेकेंड पार्ट भी हम सेम डिस्टेंस लेके काट कर देंगे क्योंकि हमने कोई मार्क नहीं किया तो हमको थोड़ा देखना पड़ा। हो गया इसका भी काटिंग। और ये जो तीसरा लेग है इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए इसको सिर्फ परफेक्ट करके साइड में रख देंगे हम। ये हो गया इस पार्ट का। और दूसरा पार्ट भी हम काट कर देंगे, इसको भी हो गया काट, हो गया, थोड़ा और बाकी है, अभी हो गया। चलिए ये दोनों पार्ट को हम देखते हैं और चलते हैं आप फर्नेस के और, क्योंकि इसको अभी थोड़ा बेंड करना है। तो बेंड करने से पहले ये जो तीसरा पार्ट है इसको भी हम काट कर देंगे। ये जो आप एंड दिख रही है, हम दिखा रहे हैं ये एंड को, थोड़ा ठीक से काट करिएगा क्योंकि इसको बाद में एकदम पॉइंट ज़रूरत होगा। इसको एंगल थोड़ा सीधा रहना चाहिए और इसका जो काटिंग एज है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दोस्तों हो गया हमारा बेंडिंग। और ये बेंड करने के बाद आया, यहाँ पे बेंड किया, यहाँ पे काट करना पड़ेगा अभी। तो चलिए हम इसको काट कर देते हैं। और काट करने से पहले इसका थोड़ा नाप लेना ज़रूरी है, ज़्यादा छोटा बड़ा हो जाने से मेरा पूरा काम पानी फिर जाएगा। देखिए ठीक से काट लेने के बाद अभी ये काट हो रहा है, बहुत मजबूत है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। ये देखिए ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इस टेढ़े को भी सीधा करने का इलाज है मेरे पास। सिर्फ इसको थोड़ा नाप करके थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए और ये आपका काट हो जाएगा। लेकिन ये काट एकदम बारीकी एडजस्ट करने के बाद ही काट करना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए हो गया मेरा लेवल एडजस्ट। और अभी इस पाइप से हम इसका एक्सटेंडेड लेग जो है वो बनाएंगे। नाप लेने के बाद हम इसको काट करेंगे और तीन टुकड़ा एग्जैक्ट सेम हाइट का, चलिए इसका काट कर देते हैं। और ये पहला काट होने के बाद फिर से एक बार नाप लेंगे। नाप लेने के बाद थोड़ा मार्क होने के बाद
ये हो गया हमारा फर्स्ट कटिंग। और ये काटने के बाद इसका दोनों टुकड़ा करेंगे, और दो इसको अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, और ये दो पीस तीन पीस हो जाएगा। चलिए इसको काट देते हैं ठीक ठाक। और इसको काटने के बाद ये हमारा आ जाएगा एकदम सेम टू सेम हाइट का, जो कि हमें चाहिए। ये देखिए दोस्तों हो गया सेम हाइट, थोड़ा सा एक्सटेंडेड एरिया है, उसे हम फिर कट कर देंगे। ये तीन पीस हो गया, तो इसे प्रेस से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। तीनों को प्रेस करने के बाद हम इसका एडजस्ट चेक करेंगे। देखिए चेक करते हैं इसका एडजस्टमेंट। हाँ ये हो गया, ये खड़ा तो रहेगा लेकिन अभी ये खड़ा है, कुछ देर पहले तो ये नहीं था। और ये देखिए जब इसको उठा रहे हैं हम तो ये गिर जा रहा है, लेकिन इसका भी कोई सलूशन हम निकालेंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर प्लेटफॉर्म, तो चलिए निकालते हैं प्लेटफॉर्म। ये है हमारा प्लेटफॉर्म, जो कि एक पुराना सा टीवी का रिमोट कवर है जो टूटी फूटी था घर में, हम इसको इलास्टिक बैंड से लगा लिया है। और इसको हम शोल्डर करेंगे, और शोल्डर करने के लिए मुझे एक ताताल का ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्लास्टिक शोल्डरिंग, जो कि मैं पहले तीन हिस्सों में थोड़ा थोड़ा टके लगाऊंगा, और वो टके लगाने के बाद मैं पूरा का पूरा शोल्डरिंग करूंगा, क्योंकि ये बाद में टूट फूट ना जाए और इसका शोल्डरिंग जो है वो निकाल ना जाए। तो दोस्तों ये ट्राइपॉड से कल मैं करूंगा एक एक्साइटिंग गैजेट की अनबॉक्सिंग एंड उसको गिव अवे आप सभी के लिए। और कल मैं लेके आऊंगा एक अनाउंसमेंट जिसमें मेरा फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए मिले गए 100 गिफ्ट्स, और वो गिफ्ट आप कैसे पा सकते हैं वो मैं कल अनाउंस करूंगा। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे हाफ मेड इंडियन चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इधर इस लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरीके से वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों ये मेरा शोल्डरिंग अभी लगभग ख़त्म ही हुआ होगा, और थोड़ा सा बाकी है, ये जल्द ही ख़त्म कर देंगे हम। उसके बाद हम इस पे वो एक्स्ट्रा लेग, बट वो लेग लगाने के लिए तीन छोटा सा स्क्रू जो होता है उसका ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो वो लेग अंदर बैठ जाएगा, पूरी तरह से ड्यूरेबल और स्टैंडेबल नहीं रहेगा। तो आप देखते रहिए। तो अभी बेसिक स्टैंड रेडी है, और रेडी होने के बाद अभी हम इसको एक्स्ट्रा लेग फिट करेंगे। और फिट करने के बाद इसका जो तीन स्क्रू मैंने डाला है एडजस्ट करने के लिए, वो स्क्रू को हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद ये जो हमारा स्टैंड है टोटली रेडी हो जाएगा, एडजस्टेबल हो जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगा, और कभी नहीं हिलेगा। और इसका जो भी मोबाइल का साइज है वो कोई भी साइज को आप इसमें फिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है जो कि स्ट्रेचेबल है, तो आप कोई भी साइज इसमें आराम से बिठा सकते हैं, बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आज जैसे कि बड़ा बड़ा स्क्रीन मिलता है वो भी आप इसमें बिठा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ट्राइपॉड रेडी, और इस ट्राइपॉड से हम कल बनाएंगे और एक वीडियो, और उस वीडियो में हम करेंगे एक बहुत ही अच्छे और यूज़फुल गैजेट का अनबॉक्सिंग एंड गिव अवे। तो इस गिव अवे को पाने के लिए और
लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए मेरा चैनल हाफ मैड इंडिया, और मैं